अच्छा, हम मानस दा का घर आए हैं। ये आपका नमस्कार। वेस्टर्न पेंटर है और इनसे हमको बहुत दिन से जान पहचान है। ये बहुत दिन से आर्ट लाइन में, पेंटिंग लाइन में है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से सीखे हैं। और कब सीखे हैं? कब? हम तो बहुत दिन पहले सीख गया, मतलब 2002 में पास आउट कर दिया। उसके बाद मैंने पेंटिंग का एग्जीबिशन किया कलकत्ता, बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला। फिर उसके बाद दिल्ली, बेंगलोर, उधर से मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन किया था दिल्ली में, रेड डॉट आर्ट गैलरी एंड बेंगलोर में चित्रकला परिषद, उधर में हम लोग एग्जीबिशन किया था। हम लोग पेंटिंग का टोटल सोल्ड आउट हो गया था। और अलग अलग जगह में हमने एग्जीबिशन किया, कलकत्ता में अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, बिरला अकेडमी, चित्रकूट आर्ट गैलरी, इधर आकृति आर्ट गैलरी, इधर हमने एग्जीबिशन किया था। मतलब बहुत सोल्ड आउट हुआ। बीच में से हम क्या थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, कुछ दिन बहुत दिन स्टॉप गया था। फिर से मैंने 2010 से फिर नया स्टार्ट कर दिया एग्जीबिशन करने के लिए। तो अभी मेरे पास कुछ पेंटिंग्स है, मैक्सिमम पेंटिंग। आप किस टाइप का पेंटिंग बनाते हैं? मतलब वेस्टर्न पेंटिंग? वेस्टर्न पेंटिंग एक्चुअली क्या है, पेंटिंग तो टू टाइप्स होता है इन जनरल, इंडियन स्टाइल एंड वेस्टर्न स्टाइल। तो हम लोग मैक्सिमम जो पेंटिंग बनाते हैं हम वेस्टर्न स्टाइल में बनाते हैं। और फिगरेटिव वर्क करते हैं, ह्यूमन फिगरेटिव वर्क। एक एक आदमी एक सोच के ऊपर बनाता है, कोई लैंडस्केप पर बनाता है, लैंडस्केप, कोई किसी का फीलिंग्स स्टिल लाइफ के ऊपर होता है, कोई स्टिल ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो मेरा फीलिंग्स, आप क्या सभी टाइप का बनाते हैं? नहीं, हम सभी टाइप बनाते हैं। अपना एक आइडेंटिटी होने, मतलब हम जब जितना काम करेंगे तो किसी का एक आइडेंटिटी होना चाहिए। हम पेंटिंग के बोलकर, मैंने उस लाइन पे आपका स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी होना चाहिए। तो हम देख कर बोलेगा मानस मंडल का पेंटिंग ऐसा है। तो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि मेरे एक लैंडस्केप चाहिए, हाँ, किसी का ऑर्डर का जो काम होता है ना, जो आप जो हम आपको जितना जो दिखाएंगे अभी, वो मेरा खुद क्रिएशन का पेंटिंग है। हम खुद बनाए अपना दिमाग लगाकर, मतलब मेरा खुद जो क्रिएशन पेंटिंग, क्रिएटिव पेंटिंग वो मेरा। अच्छा। और मैक्सिमम आदमी का लोग ऑर्डर रहता है, किसी का माँ का पोर्ट्रेट बनाना है, किसी का फैमिली पोर्ट्रेट बनाना है, किसी घर में किसी का गॉड एंड गॉडेस बनाना है, किसी का कोई भी बनाना, कोई भी ऑर्डर मिलेगा तो अकॉर्डिंग ऑर्डर के हिसाब से हम कॉपी कर देंगे और वही बना देंगे। कॉपी पेंटिंग भी बनाते हैं और वो जो किसी का ऑर्डर का पेंटिंग होता है वही हम बना देते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो आप अभी जो हम आपको दिखाएंगे पेंटिंग, ये सब मेरा अपना खुद क्रिएटिव पेंटिंग है। खुद मैंने क्रिएट, अपना थॉट से, मेरा थॉट से मैंने क्रिएट किया। तो मेरा थॉट में लेडी फिगर इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पेंटिंग में लेडी फिगर में कॉमन है। मेरा जितना जो पेंटिंग है उसमें लेडी फिगरेटिव काम होता है, फिगरेटिव वर्क का मेरा रहता है। और अभी हम कुछ सब्जेक्ट के ऊपर हम पहले काम किया, उसमें कुछ सब्जेक्ट मेरे पास है और अभी कंटिन्यू हम कुछ सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। और कुछ काम मेरे पास अभी जस्ट फिनिश्ड हुआ कुछ सब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर काम भी आप लोग को दिखाएंगे। तो जैसे करके हम क्रिएटिव पेंटिंग में जैसे करके हम लोग एक लेआउट बनाते हैं। लेआउट को हम बनाते जब मेरे को लगेगा और ठीक है चलो इसके ऊपर बना लेते हैं, फिर उसको हम डेवलप करते हैं बड़ा कैनवास में। उसके बाद हम उसको सोच कर देखते हैं, मिनिमम एक कैनवास बनाने में 1-1.5 महीना लग जाता है। अगर हम एवरीडे बैठेंगे तो 1-1.5 महीना लग ही जाएगा। अगर हम गैप देकर बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो और एक सीरीज रहता है मेरा, क्योंकि और हम क्या करते हैं, एक जब हम पेंटिंग बनाएंगे ना उसका एक सीरीज रहता है। जैसा करके हम अभी जो बनाए द साइलेंस विद इन, जैसा करके मार्क्स के ऊपर, मतलब एक मार्क्स है जो लोग जोकर है ना, जोकर एक्चुअली जोकर नहीं है, जो माइंड जो लोग दिखाते हैं, माइंड उसका फीलिंग्स, उसका थॉट, उसका शैडो सोरो जो मिलाकर जो होता है, उसमें से जो होता है, जो माइंड शो होता है, जैसा कहते हैं मुंह में व्हाइट मार्क्स लगाकर जो होता है, वो मार्क्स के ऊपर मैंने कुछ पेंटिंग मैंने बनाया। उससे पहले हम लोग फिगरेटिव काम के ऊपर बनाते हैं, हैंड फेस के ऊपर से किसी को रिप्रेजेंट करना, वो फिगरेटिव काम भी मैंने कुछ, मेरे पास अभी 2 कंपोजिशन रखा हुआ है, मैक्सिमम मेरा सोल्ड हो गया। और अभी जो सीरीज बनाए उसमें से कुछ सोल्ड हो गया, मैक्सिमम कुछ आपको दिखाएंगे। और उसके बाद अब नया एक सब्जेक्ट हम स्टार्टिंग किया कल से, उसको ड्राइंग आपको दिखा देंगे लास्ट में। तो मेरा पेंटिंग कंटिन्यू करते रहेंगे हम, और अकॉर्डिंग मार्केट डिमांड वाइज हम आपको काम भी कर देंगे। अगर आपको इससे चूजिंग कर सकता है, इससे भी आप चूज करके अपना बेडरूम में आप लगा सकते हैं, आपको बोल देंगे कैसे करके लगाना है, कहाँ लगा देंगे, कैसे करके हम उसको आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, ठीक है। तो हम आपको पहले कुछ पेंटिंग आपको दिखा दें एक एक करके, उसके बाद हम आपको उसके बाद डिटेल्स और बात करेंगे। तो एक पेंटिंग है,
अच्छा इसका मैंने रिप्रेजेंट किया एक क्रिएटिव वर्क और एक हैंड के अंदर। हम किसी के ऊपर सोचते रहते हैं तो अगर किसी के ऊपर सोचना और उसको रिप्रेजेंट करना, हम पहले मेरा जो ड्राइंग लेआउट था ये एक्चुअली इसका सब्जेक्ट, इसका साइज कितना है, इसका साइज है आपका 28 इंचेस बाय 34 इंचेस। ड्रीम ऑफ रियलिटी ये आपका मैंने वेदर से कोई डैमेज होगा? नहीं डैमेज नहीं होगा क्योंकि हम मेरा जितना जो पेंटिंग है वो आपका मिक्स मीडिया और मैक्सिमम पेंटिंग मेरा एक्रेलिक में है। तो एक्रेलिक एक कलर ऐसा है जो हम आपको देंगे तो 60-70 इयर्स में कुछ नहीं होगा। अच्छा उस पेंटिंग को आप शैम्पू से और पानी से अच्छा से उसको वॉश कर सकते हैं, अच्छा। तो क्लीन भी कर सकते हैं तो इसमें कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ डैमेज नहीं होगा। अगर हम इसको आपको ऑयल पेंटिंग में देते तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट और उसमें डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्रेलिक अलग चीज़ है, एक्रेलिक कलर है जिसमें है क्योंकि इसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रहता है और इसका डैमेज का परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा, डैमेज ना होने का बराबर है। और हम तो है हमको गाइडेंस करेंगे कैसे करें क्या करना है। फ्रेम भी मैंने डैमेज नहीं होगा? नहीं फ्रेम से क्योंकि फाइबर फ्रेम इतना ईजी आसानी से नहीं होगा। अगर वुड का होता तो कट जगह छोटा हो गया, ये सब हम लोग को मीनिंग में आना मुश्किल है। ऑर्डिनरी आदमी को मीनिंग समझ में नहीं आएगा। मीनिंग तो हम समझाएंगे। अच्छा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, मैं सब कुछ बोल दूंगा और जो किसी के पास पूछना है इस पेंटिंग के बारे में, मेरा जितना जो पेंटिंग है उसका मिडलिंग बोल देंगे सबको। एक थॉट के ऊपर मैंने बनाया, मेरा खुद का क्रिएशन है। अच्छा ठीक है, एक एक फेस है, एक कॉर्ड से लड़की मतलब औरत गाना सुन रहे हैं तो एक ही गाना हाँ दोनों सुन रहे हैं, मतलब एक ही फीलिंग्स दोनों के अंदर है तो इसके हिसाब से मना इसका इसका प्रेजेंटेशन इधर है, इसका इसके बारे में सोच रहा है और ये भी इसके बारे में सोच रहा है, एक ही कॉर्ड से दोनों सुन रहे हैं गाना, सेम फीलिंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ड्रीम ऑफ रियलिटी है सब्जेक्ट का नाम और इसका पिक्चर का आपका नंबर है 4 पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 सोल्ड, पिक्चर नंबर 4। और इससे पहले जितना जो मेरा पेंटिंग था वो हमको दिखा नहीं पा रहे, जब हम पहले वाला मेरा जो पुराना वाला पेंटिंग है वो सब पहले सोल्ड हो गया, अभी कुछ नया नया वाला पेंटिंग आपको दिखा रहे। कलर जो मैंने आपको बोला ना जो माइम के ऊपर हम काम कर रहे वो अभी हम आपको 11 पेंटिंग दिखाएंगे 1 by 1। अच्छा इस सीरीज में अभी जस्ट मैंने फिनिश किया इस वाला सीरीज, अभी एग्जीबिशन करेंगे इसके बाद और इसके बाद सीलिंग के बाद है अलग बात है, लेकिन ये जो सीरीज मैंने बनाया तो 11 पेंटिंग हम आपको दिखाएंगे 1 by 1। और इसका सबका सब्जेक्ट है माइंड, देखो मुंह में व्हाइट फेस, स्किन के साथ मुंह का कलर डिफरेंस अलग और हाथ में व्हाइट ग्लव्स। अच्छा। और उसका ड्रेस में जितना जैसा करके माइम शो करते हैं ना उसमें ब्लैक एंड व्हाइट का ड्रेस में स्टाइप रहता है, जैसा करके जो माइम करता है जो जिसके बारे में माइम नहीं मालूम हो थोड़ा सा नेट सर्च करके बुक पढ़ के माइम के बारे में मतलब देख लेना चाहिए। मैं चिंता कोई चीज चिंता कर रहा है हाँ, मतलब उसको माइम मतलब इसका हार्ट में मतलब किसी बार थिंक अबाउट एनी बॉडीज तो उसमें हाथ में सोच रहे हैं जिससे से खून निकल रहा है हार्ट से खून निकल रहा है तो वही मतलब एक एक पेंटिंग का एक एक अलग अलग मतलब है। और सीरीज आपको 11 पेंटिंग में आपको सबका फेस व्हाइट दिखाई देगा। अच्छा और उसमें हाथ में ग्लव्स, फेस में व्हाइट और किसी का ड्रेस में ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट का पैचअप, यही है माइंड जो करते हैं उसका अपना अलग सा पहचान, उसके हिसाब से वाला कंपोजिशन मैंने बनाया। ठीक है एक नंबर वन है, नंबर वन है पेंटिंग, मतलब आपका उस इसका सब्जेक्ट है आपका द साइलेंस विद इन, साइलेंस विद इन अंदर के ऊपर जो साइलेंस होता है मतलब जो निरापदा होता है, द साइलेंस विद इन इसके सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट नंबर वन। इसके बाद आपको सब्जेक्ट नंबर टू दिखाते हैं, ये सब्जेक्ट नंबर टू है। अच्छा फीलिंग्स ऐसा है किसी को गिफ्ट कर रहा है, रोज गिफ्ट कर रहा है इसको, उसके बाद सोच रहे हैं दिखा रहे नंबर वन दिखा रहे हैं, अब नंबर टू है। उसके ऊपर से
सब्जेक्ट हिसाब से आपको सबमिट करना है। ब्यूटीफुल नाइस ये भी नाइस है। ये भी उस सब्जेक्ट के ऊपर किसी के बारे में सोचना मतलब वो थिंकिंग अबाउट गॉड द मोर का पलंग और एक बांसुरी गॉड के ऊपर सोच रहा है फीलिंग्स अबाउट गॉड गॉड के ऊपर सोच रहा है गॉड से उसको प्यार उसका रिलेशन तो वही है आपका मैंने बोला द साइलेंस विद इन का सब्जेक्ट है मेन फिगर वही है उसके बाद उसका आपका जो मतलब रिलेटेड ऑब्जेक्ट के साथ वो काम कर रहा है। अच्छा ठीक है वेरी ब्यूटीफुल है एक्सप्रेशन ऑफ फेस और उसके बारे में सोचना ये जो दिमाग से मतलब हम लोग जो माइम करते हैं वो फेस में मुखौटा मुखौटा जो होता है मुखौस लगाते हैं मुंह में फेस लगाते हैं अलग अलग किस्म का मास्क लगाते हैं और मेरा इंक्लूडिंग जो सब्जेक्ट है उसमें रिलेटेड है मतलब इसके हिसाब से जो जैसा करके मास्क रहेगा और इसके हिसाब से मुंह में व्हाइट रहेगा हाथ में व्हाइट ग्लव्स पहनेगा और ड्रेस में ऐसा व्हाइट एंड ब्लैक का जो फीलिंग्स रहेगा मतलब उसका हिसाब से बनाया मेरा कंपोजिशन। ये क्या पहले आप पेंसिल से ड्राइंग कर लेते हैं क्या? हाँ, पहले हम क्या करते हैं पेंसिल से ड्राइंग नहीं करते एक मोटा सा लेयर हम लगाते हैं इसमें एक कलर का टिंट कलर लगाते थोड़ा सा मोटा जाएगा बेस अगर मोटा हो जाएगा तो काम करने में मजा आता है तो एक थोड़ा सा मोटा लेयर लगा लेते लाइट कलर का ये लाइट येलो और नहीं तो क्रीम कलर का एक मोटा सा लेयर लगा लेते उसके बाद हम थोड़ा सा थिन ब्रश से उसके ऊपर ड्राइंग करते और वो जो ड्राइंग रहता वो फाइनल ड्राइंग नहीं रहता शायद हम पेंटिंग बनाता बनाता कुछ कुछ चेंज हो जाता एंड में तो उसको हम कंप्लीट करके मेरा जब मैं जितने तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता उतने तक हम काम करते रहता हूँ उसके बाद सेटिस्फाइड होने के बाद हम उसको अपना सिग्नेचर देकर उसको छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा ये दो फेस है। हाँ इसका फेस है दो मास्क है मैंने आपको बोला ना ये मास्क में इस सब्जेक्ट के साथ मास्क जा रहे हैं इसलिए मास्क से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा किसी का हार्ट को भी मैंने बांध दिया बेटा इस साइलेंस विद इन साइलेंस विद इन सभी के ऊपर और एक काम है मतलब सब देखे सबको पसंद करे इसलिए ये वाला वीडियो है क्योंकि जिसको तो अच्छा भूल गया अभी जो गलत है इंसान तो हंसना ही भूल गया और एक के साथ एक किसी को टांग खींचना किसी के साथ किसी को झगड़ा लगाना झगड़ा होता रहना सब मतलब लाभ के ऊपर थोड़ा सा रिलेटेड आदमी लोग चला गया तो इसको थोड़ा सा प्यार करे इसको अपने घर में रखे और थोड़ा सा शांति कायम रखे यही हमारा मैसेज है। अच्छा ये भी ब्यूटीफुल है सुंदर कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। हाँ जो मैक्सिमम मेरा कलर कॉन्ट्रास्ट इस सीरीज में रेड ब्लैक व्हाइट ये तीन कलर मेन है उसके साथ अलग अलग कलर है लेकिन तीन कलर मेन है। ओवरऑल पिक्चर आ रहे हैं ना अच्छा सैडनेस पर ज्यादा है सैडनेस हाँ सैडनेस माइम जो लोग करते हैं ना उसमें सैड वो दिखाते हैं जब वो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं ना उसका अपना फीलिंग्स अपना जो मतलब अपना सैडनेस अपना लाइफ में ना पाने का जो मतलब जो अफसोस रहता है ना वो अपना क्रिएटिव में रहता है माइम ऐसा हाथ में ऐसा करके हिलाकर दिखाता है तो वही सीरीज वही सब्जेक्ट को हम काम किया। स्माइलिंग फेस है सब स्माइलिंग फेस है देख लीजिए बहुत ही हम लोग क्या करते हैं मेरा पेंटिंग में बहुत डिटेलिंग वर्क रहता है ऐसा करके इसका मतलब क्या है हाथ में ये है कार्ड है कार्ड ले मतलब है एक सोच है मतलब हम सबको सबके साथ खेल रहे हैं एक एक पत्ते हम निकाल रहे हैं एक एक चीज हम दे रहे हैं मतलब जो हम देंगे वही आपको करना पड़ेगा उससे आपको खेलना चाहिए मेरे हाथ में सब कार्ड रहे हैं मेरे हाथ में होल्ड किया है तो अलग अलग एक एक पेंटिंग में अलग अलग सोच है। ये थोड़ा सा बड़ा ये
जगह भी बहुत छोटा है। हाँ, थोड़ा बड़ा मतलब बड़ा मतलब है, लंबा अगर होता तो जगह आपको चला जाता है, चौड़ा में है इतना पेंटिंग आपको दिखा है, चौड़ा में है। और कोई अपना घर में लंबा स्पेस रहता है तो ऐसा करके पेंटिंग आप वो रख सकते हैं, किसी का जगह छोटा बहुत चौड़ा है उसमें ये वाला पेंटिंग जाएगा, क्योंकि ये स्पेस साइड में स्पेस जगह स्पेस रहेगा तो अच्छा रहेगा, वॉल ज्यादा चौड़ा रहने से ये वाला पेंटिंग उधर घर में जाएगा। और देख लीजिए कितना अच्छा फीलिंग्स है इसके अंदर, स्माइलिंग फेस और वायलिन वायलिन बजा रहे, इसका अपना पेन, इसका अपना लाइफ में जो पेन है वो उतर रहा है, वो आ रहे। ओके, एक बड़ा कैनवास है, ये बहुत बड़ा काम है। ये कितना बाई कितना है? ये आपका 33 inches by 43 inches, 33 by 43 करके बहुत बढ़िया काम है, बहुत मेहनत का काम है। मेरे को 2 months लगा कंप्लीट करने, 4 months बहुत मेहनत पड़ता है, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत तो पड़ता ही है और बहुत आपका पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि और क्या है, हम एक काम करते करते थोड़ा उठ करके थोड़ा डिस्टेंस से देखते हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है, ये थोड़ा सा हिलना चाहिए, ये थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, ये थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, वो करते करते ऐसा नहीं हम कर देते दे सब हो जाएगा, उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ता है। एक ड्राइंग मेरा जो साइलेंस उस दिन आपको दिखाया था माइंड के ऊपर, वो सब खत्म हो गया, मतलब वो सब पेंटिंग मैंने बना लिया। अभी नया एक टॉपिक के ऊपर हम बना रहे, चेस के ऊपर। चेस एक वन टाइप ऑफ गेम ऑफ आवर लाइफ, हमारा लाइफ एक गेम है, कभी हारना कभी शतरंज, शतरंज का शतरंज हमारा लाइफ है, तो उसके हिसाब से हमने इस सब्जेक्ट को मैंने बना रहे, उसे मैंने ड्राइंग बनाया है इसके। अभी बहुत सारा काम मैंने अभी आपको स्टार्टिंग किया, मेरा नया लेआउट है, मेरा नया सीरीज का काम है, अच्छा से मैंने ड्राइंग बनाया, अभी इसके बाद पेंटिंग बनाएंगे। पहले हम ऐसे कैनवास को बेस करके हम ऐसे ड्राइंग बना लेते, उसके बाद हम पेंटिंग को डेवलप करते। ये अभी कितना 50% काम हुआ है क्या? नहीं, सब 15% काम हुआ, 20% काम हुआ है। अभी तो पूरा पेंटिंग बनाना है, तो एक महीने का काम होगा इसको। हाँ, आउटलाइंस खाली आया, सिर्फ आउटलाइन बना है इसको, ऐसा पेंट कलर भरेगा, जैसे कलर भरेगा, किसी को ऐड करना है, किसी को डिलीट करना है, सब होते रहते, धीरे धीरे चेंज हो। ओके, थैंक यू।